हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगे, उसका चेहरा चमकता दमकता रहे, फेस पर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, एकदम से स्किन जो है क्रिस्टल क्लियर लगे, नेचुरल ग्लो आए फेस पर। तो उसके लिए हम कई बार 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 फेशियल कराते हैं, पार्लर जाते हैं, घर पर DIYs यूज़ करते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट थोड़े टाइम के लिए ही होता है और उसके बाद वापस से हमारा फेस वैसे ही हो जाता है, डल, बेजान और स्किन पर और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए आज जो मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ वो है कि हमें अपने फेस पर कुछ लगाना भी नहीं पड़ेगा और हम अपने फेस पर एक नेचुरल ग्लो लेकर आएंगे, फेस की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, हम बिना कुछ अपने फेस पर लगाए अपने फेस को एकदम से ग्लोइंग बनाएंगे, फेस की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपनी नाभि पर डिफरेंट डिफरेंट तरह का तेल लगाना है अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम के लिए। मैंने पहले भी अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, नाभि पर सरसों का तेल लगाना, जिसमें मैंने हेल्थ बेनिफिट्स बताए थे कि नाभि पर सरसों के तेल लगाने से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो में चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के, चेहरे की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नाभि पर हम कौन कौन से तेल लगाएं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के और मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं उनकी स्किन पर पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए क्या करना है, रात को सोते समय 2 बूंद नीम का तेल अपनी नाभि पर लगाएं और उसे अच्छे से मसाज करें और फिर पूरी रात उसे ऐसे ही लगा रहने दें। तो इससे कुछ ही दिनों में पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम दूर होती है। बहुत लोगों की स्किन जो है वो खिंची खिंची रहती है, ड्राइनेस रहती है स्किन पर, कितना ही मॉइस्चराइज़र लगा लें पर थोड़े टाइम के बाद वापस से स्किन पर खिंचाव आता है। तो उसके लिए क्या करना है, रात को सोते समय 2 बूंद नारियल तेल की लगाएं और उसकी अच्छे से मसाज करके उसे ऐसे ही लगा कर रखें। तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आप कि स्किन की ड्राइनेस पूरी तरह से दूर हो गई है। जिन लोगों को फेस पर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम होती है, स्किन पर जगह जगह धब्बे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए रात को सोते समय 2 से 3 बूंद नींबू का तेल लगाएं और उसकी अच्छे से मसाज करके पूरी रात उसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दें। तो इससे कुछ ही दिनों में पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और जिन लोगों को टाइम से पहले स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं, अंडर आई डार्क सर्कल होने लगते हैं, स्किन बहुत ही डल होती है, तो उसके लिए वो 2 बूंद रात को सोते समय देसी घी लगाएं और उसकी अच्छे से मसाज करके रात भर उसे ऐसे ही लगाकर छोड़ें। तो कुछ ही दिनों में रिंकल्स और अंडर आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम दूर होती है और स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, बेजान हो चुकी है, स्किन पर कोई भी ग्लो नहीं है, तो उसके लिए रात को सोते समय 2 बूंद बादाम का तेल लगाएं। तो उससे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होएगा कि कुछ ही दिनों में स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, स्किन की चमक बढ़ने लगती है, स्किन बहुत ही ब्राइट लगती है, स्किन पर यंगर लुक आएगा सिर्फ रात को 2 बूंद बादाम का तेल लगाने से। अगर स्किन का आपका नेचुरल कलर कहीं खोसा गया है, स्किन पर एक काली परत जम गई है, स्किन की जो रंगत है बहुत बेजान हो चुकी है, रंगत बहुत ढल चुकी है, तो उसके लिए रात को सोते समय 2 बूंद ऑलिव ऑयल की लगाएं। तो उससे कुछ ही दिनों में स्किन की रंगत निखरने लगती है। बहुत बार लिप्स जो हैं इतने फट जाते हैं कि उनसे ब्लड निकलने लगता है, लिप्स पर, होठों पर पपड़ी सी जम जाती है, कटे फटे रहते हैं। कितनी वैसलीन या लिप बाम लगाते हैं लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होता है, वापस से लिप्स फिर वैसे ही फटे हुए रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए रात को सोते समय 2 से 3 ड्रॉप सरसों के तेल से अच्छे से अपनी नाभि पर डालकर उसे मसाज करें और पूरी रात उसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दें। तो इससे कुछ ही दिनों में लिप्स जो हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनते हैं, लिप्स पिंक हो जाते हैं, पिंक लिप्स बनते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार इन तेल को ज़रूर ट्राई करना और अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।